एक अनजाने नहीं है। जमुना में पैर रख रहे हैं, पैर लगते ही महाराज दो भाव जगते हैं। आज एक पिता अपने पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है और एक भक्त, क्योंकि ये पटरानी है कन्हैया जी की, अपने प्रभु के चरण को छूने की कोशिश कर रही है। शेषनाग जी ने ऊपर से आके फन लगा दिया है कि मेरे प्रभु को कहीं बारिश ना हो जाए। अगर हमने अपने इष्ट के ऊपर ये भाव रखा कि मेरे लल्ला को ठंडी ना लग जाए तो आपको निमोनिया नहीं होगा। इसलिए अगर पहले भगवान को चढ़ा के खाओ तो प्रसाद है, खुद खाओ तो भोग बन जाता है। यही तो कारण था मीरा को राणा ने विष दिया, लेकिन मीरा को लगा मैं पी लूं कहीं मेरा लल्ला प्यासा ना रह जाए, और उसने लल्ला के मुख को लगा दिया। और जो चीज लल्ला के मुख को लग जाए महाराज वो तो अमृत बन ही जाता है। इसलिए घरों में भोग लगाया करो, गौ ग्रास निकाला करो, ठाकुर जी का भोग लगाया करो। जब ठाकुर जी के भोग लगाओगे तुलसी दल से, वही भोग लागे अपने भंडार में डाल के बालकों को खिलाओगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, फिर वो शराबी और कपटी नहीं बनेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। वासुदेव जी कदम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा और होड़ लगी हुई है, पिता पुत्र को बचाने में लगा है, और यमुना जी अपने प्रभु के चरण छूने में लगी है। थोड़ा नीचे से और ऊपर करते हैं, जितनी वेग से वासुदेव जी अपने पुत्र को बचाने की कोशिश करते हैं, यमुना जी उससे ज्यादा वेग से ऊपर चली आ रही है। महाराज आज वासुदेव जी का हृदय मचल गया है, आंखों में करुणा है, नेत्रों में सुधार है। अरे प्रभु सब कुछ तो ले लिया, अब इस बच्चे को तो छोड़ दे, ये लीला नहीं मालूम। भगवान ने कहा कि शायद मेरे पिता की आस्था न टूट जाए, और भगवान ने धीरे से अपने पैर को नीचे टोकरी से डाला, और जैसे ही जमुना ने स्पर्श किया एकदम नीचे बहने लगी। महाराज ऐसे ही जब आपको अहंकार ज्यादा आ जाए, ठाकुर की आंखों में देख लो अहंकार ऐसे ही उतर जाएगा। जमुना जी ने रास्ता दे दिया है, वासुदेव जी गए, इनको सुलाया कन्हैया जी को, और कन्या को लेकर वापस आए। कन्हैया को लेकर के वासुदेव जी ने जैसे ही पहले गेट के अंदर पैर रखा, वो गेट अपने आप बंद हो गया, दूसरा द्वार बंद हो गया, तीसरा बंद हो गया, चौथा, सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। कारण वासुदेव जब इधर से गए तो सारे रास्ते खुलते गए थे, उधर से आए तो सारे रास्ते क्यों अपने आप बंद हुए पता है? क्योंकि इधर से जब वासुदेव गए तो उनके सर पर बिहारी ज्ञानी प्रभु की कृपा बरस रही थी, और उधर से जब आए तो उनके सिर पे माया थी। अगर आप माया के पीछे जाओगे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और अगर नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। योग माया ने किलोल करके रुदन चालू कर दिया, और कन्या की रोने की आवाज को सुन करके कंस भागता हुए अपने दूतों को भेज देता है, आता है, कन्या को पकड़ता है, यहाँ आज देव की रुदन करे, अरे छोड़ दे दुष्ट, छोड़ दे, तू मेरा भाई है, कसाई है, कुछ तो अकल हो तेरे अंदर, अरे मैं क्यों तुझे आठवें पुत्र से शंका थी ना, ये तो कन्या है, इसे छोड़ दे। बोले बावली तुझे अकल है कि नहीं, अगर कहीं इस कन्या से पुत्र हुआ उसने मुझे मार दिया तो क्या होगा। दिलवाले बचा ले दिल अपना, हम अपना निशाना क्यों छोड़े, कोई मरता है तो मरने दो, हम तीर चलाना। कंस ने ये कहां से कन्या के पैरों को पकड़ा, आकाश मार्ग में फेंका है, बर्छी लगाई, आकाशवाणी हुई, और कन्या आकाश मार्ग से ही, क्योंकि वो तो माया है। अरे दुष्ट कंस, दुनिया को चलाने वाले, जगत के पालन करने वाले को तू क्या मारेगा, जा, तेरे मृत्यु का जन्म हो चुका है, वो तो सुरक्षित हो चुका। यह है भाव भक्त के कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले चल जाए भक्त का मान न टूटे। दोनों तरफ मां है,
यहाँ देवकी है और वहाँ यशोदा है। भगवान यदुवंश में जन्म नहीं लिए लेकिन पहचान यदुनंदन के नाम से ली। भगवान का जन्म यदुवंश में नहीं हुआ है, देवकी से हुआ है और देवकी यादव नहीं। भगवान का जन्म यदुवंश में नहीं हुआ है ना। एक माँ से जन्म लिया है बिहारी ने, उस माँ की ममता को छोड़ दी। जिस माँ ने जन्म दिया है उसने आज भर आंखों से अपने लल्ला को देखा नहीं। और भी ऐसी दशा में जब इतने पुत्रों की हत्या हो जाए, आज मेरे बेटे का मुंह तो देखो, लेकिन मैं प्रभु अपने भक्तों के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए, संतों के उद्धार के लिए जन्मदाती माँ का प्यार छोड़कर भी चले आते हैं और ये काम है कि उसका नाम लेने की फुर्सत नहीं। एक बार नारायण के चरणों में झुक जाओ, ये नारायण सारी दुनिया को तुम्हारे चरणों में झुका देगा। आजमा करके देखो मेरे भाई ने। कि एक माँ का गोद भर के एक माँ का गोद भर के एक को रुला दिया। हर लीला धारी तूने कैसा लीला रचा दिया। Thank you.
दुनिया के मालिक तेरी महिमा निराली है। एक घर अंधेरी रहना, दूजी घर दिवाली है। सम्मान कर सकते हैं, ऐसे से कुछ भी कर सकते हैं। जिह्वा वही है, इससे प्यार से बोलो तो सम्मान हो जाए, कड़वा बोलो तो अपमान हो जाए, और गहरी स्मरण करो तो मोक्ष। अगर किसी दुष्ट को यह पता हो जाए कि तुझे भय देने वाला, तेरी मृत्यु देने वाला पैदा हो गया, तो उसके हृदय पे क्या गुजरेगी? आपको बताएं, इस समाज में लोग दो चीजों से ज्यादा डरते और उन्हीं के लिए मरते हैं। एक इस समाज का भय और दूसरा मृत्यु का भय। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक कुमृत्यु और दूसरी सुमृत्यु। कुमृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं, और जिनके घरों में अकाल मृत्यु हो उसकी दिशा परिस्थिति को देखते हुए दोष लग जाता है, उसके लिए त्रिपिंडी करवानी चाहिए। कुछ लोग नारायण नाग बलि से भी निदान करते हैं, लेकिन जिनका पिता जीवित हो वो नारायण नाग बलि ना करें।
और इन दोनों से विशेष व्यवस्था महामृत्युंजय जप है। घर में पार्थिव निर्माण कराए, 11 ब्राह्मणों को बुलाए, 1,25,000 मृत्युंजय मंत्र जप करा के अगर यज्ञ कराए तो सारे दोष ऐसे ही। सुमृत्यु उस जीवात्मा की होती है जैसे मृत्यु आने वाली है, तो कुछ समय पहले ही उसे भान हो जाता है कि मेरी मृत्यु आएगी। ये काल निर्णय है। आदमी का चेहरा शरीर वो देखकर पता लग जाता कि अभी बचेगा नहीं, मालूम हो जाता कि रहने वाला नहीं है, पर उसके अंदर इतनी आसक्ति है कि वो ये कहेगा फला को बुला दो, बेटे को बुला दो, बुआ को बुला दो, भाई को बुला दो, पर ये नहीं कहेगा मैं जाने वाला हूं। और अगर 48 सेकंड पहले भी ये जीवात्मा इच्छा रहित होकर हरि चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती है तो मोक्ष हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इतना पुण्य करना स्वामी जब प्राण तन से I'm
पिता में वहाँ तो ही तू है, न तेरी सिरंगत न तेरी सिर। कंस को ये ज्ञान हो गया है कि उसकी मृत्यु का जन्म हो गया, अब अनेक तरीके से उसे मिटाने की कोशिश होती है। भक्तों, कुत्ते को कभी घोड़े की गति नहीं अच्छी लगती और इंसान को कभी दूसरे की प्रगति नहीं अच्छी लगती। इसलिए अगर आपको रोकने के लिए सामने कोई छोटी सी रेखा खींचे तो उसे मिटाने में समय मत बर्बाद करो, निगेटिव एनर्जी मत वेस्ट करो। आपको रोकने के लिए अगर किसी ने एक छोटी सी रेखा खींची है ना, तो उसे मिटाने में कोशिश मत करो, बल्कि अपनी रेखा को इतनी बड़ी बना दो कि उसका अस्तित्व छीन हो जाए। जिस तरीके से वस्त्र को धुलने के लिए सर्फ साबुन की जरूरत है, ऐसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे निंदक और आलोचकों को भी जरूरत है, क्योंकि जब तक वो नहीं रहेंगे बिना चोट के तो खोट निकलता नहीं ना भाई। एक दिन क्या हुआ, लोहार और सुनार दोनों की दुकान बगल में ही थी, लोहार और सुनार। एक दिन सोने का एक टुकड़ा उछल के पड़ोसी की दुकान में चला गया। सोने ने लोहे से बात करनी चालू करी, भाई जी राम 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 राम। कहे मेरी समझ में एक बात नहीं आई। बोले जी बताओ क्या नहीं आई। सोने ने लोहे से पूछा कि भाई अग्नि में आपको डालते हैं हमें भी डालते हैं क्या, अग्नि में आपको भी डालते हमें भी डालते, चोट आपको भी मारते और हमें भी मारते, सोने को भी आग में डाला जाएगा लोहे को भी, चोट सोने को भी मारना है और चोट लोहे को भी मारना है। सोना कहता है जिन प्रक्रियाओं से आप गुजरते हो वो सारी प्रक्रियाओं से मैं भी गुजरता हूं, पर मैं कभी चिल्लाता नहीं, यानी मेरी आवाज पड़ोसी के कान तक नहीं जाती है। तो लोहा भाई ये बताओ कि जब आप पर चोट लगती है तो इतनी जोर जोर से आवाज क्यों करते हो, चिल्लाते क्यों। लोहे ने कहा भाई बहुत सही बात कही तूने, आग में तू भी जाता है चोट तू भी खाता है, मेरी आवाज ज्यादा होने का चिल्लाने का कारण है तो सुन, तुझे चोट मारने वाला कोई गैर होता है और मुझे चोट मारने वाला मेरा अपना होता है, इसलिए आवाज आती है। तुझे चोट मारने वाला तो कोई गैर है, मार के चला गया भी जाने दो, लेकिन जब अपनों की चोट आती है तो जमाने से शिकायत क्या, खता खुद ही किया हमने, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, जहर खुद ही पिया हमने, और जिन्हें समझा खुदा हमने वही खुद गर्ज बन बैठे, ना खुद को हम समझ पाए खता खुद ही किया। अपनों की चोट लगती है दूसरे के लिए, जिसे आपने मान लिया अपना, अगर वही चोट दे तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप मौन हो जाओगे क्योंकि वहां बाप की चलने वाली नहीं है। तो ऐसी दशा में यहाँ वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया है और कंस ने अपने तरीके से अपने दुश्मन को समाप्त करने की रणनीति बनाने चालू की है और ब्रज में आनंद बरस रहा है। ब्रज में भगवान का जन्म हुआ है, सोना चांदी हीरे मोती गौ सब कुछ दे रहे हैं, सब लोग दर्शन करने के आए हैं, भगवान महादेव भी आए हैं, भगवान शंकर दर्शन के लिए आए हैं। तो बाबा को डर लगता है, अक्सर मारवाड़ी लोग बोलते हैं बाबा को ढोक दे,
बच्चा ढोक कैसे देगा? घर में जब बच्चा रोता है तो माई पहले कह देती, चुप हो जा, बाबा पकड़ के ले जाओगा। फिर वो ढोक कहाँ तेरे? ऐसे भगवान को, भोलेनाथ को डर है कि भाई गोकुल में आनंद है, मेरे प्रभु ने आज कृष्ण रूप में उतार लिया है, दर्शन करने जाऊं, पर मेरी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले में नाग है, भस्म है, नंदी है, आज मैं अगर दर्शन करने जाऊं तो यशोदा पहले ही छुपा देगी लल्ला को। बड़ी कातिल नजर है इसकी, कहीं नजर ना आ जाए। बाबा ने कुछ कर दिया तो पहले जाने, सोचे, समझे, फिर करे। बाबा को दर्शन तो करना है, तो बाबा दर्शन करने के लिए ब्रज में आ रहे हैं। और द्वार पर यशोदा के पहुंच गए हैं, माँ यशोदा की दासियां यशोदा से कहती हैं, देखो द्वार पर कोई आया है। भगवान ने कहा आज मैं वेश नहीं बदलूंगा। कुछ विद्वान हास्य व्यंग में कहते हैं कि आज भगवान नर से नारी बनकर ब्रज में आए, पर वहां कुछ अलग लीला है। आज झूठ नहीं बोला है भोलेनाथ ने, असली स्वरूप में गए हैं। लेकिन असली स्वरूप सिर्फ परमात्मा श्री हरि नंदलाल को ही नजर आया, विष्णु को ही नजर आया, यशोदा को नहीं नजर आया। यहाँ माया पैदा कर गई। तो कैसे आए हैं बाबा? जो गे कया मुंड मान धरी